हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं एक रिक्रूटमेंट के बारे में, और उसे बताने में थोड़ा सा डिले हो गया है, मगर डेट अभी भी है। आप फॉर्म ये डाल सकते हैं, और फॉर्म है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले फ्यूचर के इंटीमेशन भी आपको समय समय पर मिल पाए। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें कई पोस्टों के लिए फॉर्म निकला हुआ है, बट दोस्तों इसमें खास कंडीशन यह है कि इनके यहाँ का अगर MTS के लिए भी फॉर्म निकला है तो उसमें भी 60% ही मांगा है। खासकर आप देखेंगे अगर इसरो वगैरह में भी जब वैकेंसी निकलती है, चाहे लोएस्ट पोस्ट की निकले या फिर हाईएस्ट पोस्ट की निकले, उसमें मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 60% आपके एकेडमिक पे होना चाहिए। तो देखिए, इसके बारे में शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, ओपनिंग डेट ये 1 अगस्त से ये फॉर्म चालू हो गया था और ये 31 अगस्त तक ये रहेगा, ठीक है। इसमें एग्ज़ाम की डेट भी दे रखी है। एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 1 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर के बीच में होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसमें पे स्केल भी इसमें साफ साफ दे रखे हैं, और इसमें बता रखा है पोस्ट कौन सी है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है और एज लिमिट। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसे थोड़ा सा। देखिए, पहला है एग्जीक्यूटिव सिविल, जिन अभ्यर्थियों ने सिविल से डिप्लोमा कर रखा है, जैसे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन 3 ईयर इन सिविल इंजीनियर, तो 3 ईयर का पॉलिटेक्निक होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास वो है, या फिर सिविल इंजीनियरिंग, मतलब ये सारे आप देखेंगे जितने भी ये दे रखे हैं कोर्स, टेक्निकल डिग्री, ये आपके पास होने चाहिए। कंडीशन 60%, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ये सारे ज़्यादातर जो फॉर्म हैं वो हैं टेक्निकल डिग्री वाले, ठीक है। किसी न किसी किसी को इलेक्ट्रिकल में चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए। मैं आपको एक ऐसा फॉर्म बताता हूँ, इसी में ही एक पोस्ट है जो आप सिंपल ग्रेजुएशन से भर सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास बीटेक है वो भी भर सकते हैं। तो आप अगर जिनके पास साथ में टेक्निकल डिग्री भी है, और तो वो दोनों ही पोस्ट के लिए भर सकते हैं। अब उस पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग, यह है स्टेशन मास्टर, जैसे आप देखते होंगे। क्योंकि देखिए, ये उपक्रम अभी लोगों को इसके बारे में शायद ज़्यादा पता भी नहीं होगा, इसीलिए जैसे ही ये मेरा वीडियो ख़त्म होगा उसके लास्ट में मैं इसका पूरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो डालूंगा कि आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कब इसका फॉर्मेशन हुआ और कब, मतलब इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी उसके अंदर, ठीक है। पार्लियामेंट के एक्ट के तहत जो है इसका निर्माण किया गया था, क्वाड्रिलेटरल एक पूरा कॉरिडोर बनाया गया है, जिस जो भारत के चार कोनों को हमारे एक को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपको, जैसे ही ये वाला एडवर्टाइजमेंट वाला ये वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद ही मैं इसमें मर्ज कर दूंगा, तो आप वाला भी वीडियो साथ में देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर हम ये वाली पोस्ट आप भर सकते हैं, स्टेशन मास्टर वाली। इसमें क्या है, ग्रेजुएशन मांगा है मगर 60% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें और कोई अलग से डिग्री नहीं है, एज आपकी 18 से लेकर 30 के बीच में होनी चाहिए, और CBT होगा। और इसके बाद क्या होगा, CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद साइको होगा। खासकर जो रेलवे के अभ्यर्थी होते हैं, उनका जो लोको पायलट होते हैं और उनका जो है वो होता है, और स्टेशन मास्टर, दोनों के लिए ही जो है साइको टेस्ट रखा जाता है। तो यही साइको टेस्ट होगा इसमें, ठीक है। तो और बाकी ये नीचे जो है पे स्केल वगैरह दे रखा है, जूनियर एग्जीक्यूटिव। आप इस भर्ती को ठीक तरीके से एक बार देख लें, ठीक है। और इसमें MTS के लिए भी भर्ती निकली हुई है। MTS भी अलग अलग ट्रेड के हैं। देखिए, जैसे MTS जो सिविल के ट्रैकमैन होंगे, जैसे रेलवे में भी आप देखते होंगे ट्रैकमैन, हेल्पर, है ना, ये उस गेटमैन, पॉइंटमैन, ये उसी तरीके का ही है एक तरीके का, ठीक है। तो आप इस भर्ती के बारे में देखें, और डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसके बाद में जो है मैं वाला वीडियो जो है जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन होगा ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या काम करती है, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं अगर आपके 60% से ऊपर हैं। तो अब मैं वीडियो मर्ज करूँगा और उसके बाद आप वो वीडियो देखें और उस फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।